हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका बी लाइक इंजीनियर्स में। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ आपके पास। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि जो हमारा प्लॉट एरिया होता है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए हमारा अगर कोई प्लॉट है तो इसका जो एरिया होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी मेथड लेके आया हूँ, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि किसी भी तरह का प्लॉट हो इसके बाद आप उसका एरिया निकाल पाएंगे बिल्कुल। तो चलिए, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? एक सीधा सा रेक्टेंगल है, ठीक है ना। आपका प्लॉट बिल्कुल कोई उबड़ खाबड़ चीज़ नहीं है, उसमें बिल्कुल सीधा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो उसकी लेंथ है यानी कि जो उसकी लंबाई है वो तो है 65 फिट, और जो उसकी विड्थ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 55 फिट। तो जो फ्रेंड्स जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ है यहाँ पर हमारी 65 फिट और चौड़ाई है हमारी कितनी? 55 फिट। तो एरिया क्या हो जाएगा उसकी? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 65 गुणा 55। तो एरिया आ जाता है फ्रेंड्स इसका कितना? 3575, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका काय में आया है? ये आपका आया स्क्वायर फिट में, ठीक है ना। ये तो एरिया आया आपका स्क्वायर फिट में। अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया हमको तो मीटर स्क्वायर में इसका एरिया चाहिए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एरिया है हमारा 3575 इसको डिवाइड कर देना है किससे? 10.76 से। तो आपका एरिया आ जाएगा कितना मीटर स्क्वायर में? आपका एरिया आ जाएगा 332.30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कभी भी स्क्वायर फिट से मीटर स्क्वायर में अगर आप जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि अगर स्क्वायर फिट से आप अगर मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं तो क्या करना है? डिवाइड करना है 10.76 से, ठीक है। और अगर आपको मीटर स्क्वायर से स्क्वायर फिट में जाना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10.76 से, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रख के चलना है, तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। चलिए, ये तो हुई बात रेक्टेंगुलर प्लॉट की। अब बात करते हैं कि कोई इररेगुलर प्लॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये साइड इसकी बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। तो इस टाइप के प्लॉट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ये इसकी लंबाई है, ये भी इसकी लंबाई है, ठीक है ना, और ये इसकी चौड़ाई है और ये भी इसकी चौड़ाई है, तो ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इनकी एक एवरेज लंबाई लेना है, ठीक है, एवरेज लेंथ लेना है इनकी, है ना, और आपको एक और क्या लेना है? एवरेज विड्थ लेना है इनकी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? अब जैसे आपको एवरेज लेंथ निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये लेंथ है और ये लेंथ है इन दोनों को क्या करना है? आपको आपस में जोड़ना है, ठीक है, और दो से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको एवरेज विड्थ निकालने के लिए क्या करना है? जो ये वाली लंबाई है और ये वाली लंबाई है, ठीक है ना, इनको भी आपस में क्या करना है? फिर से लिख देता हूँ, इनको भी आपस में क्या करना है? जोड़ लेना है और दो से डिवाइड कर देना है, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज विड्थ आ जाएगी वो आपकी, ठीक है। तो देखिए, मैंने जब इनको आपस में जोड़ा 65 प्लस 60 और दो से डिवाइड किया तो मेरे पास जो एवरेज लंबाई आई वो आई 62.5 फीट, और जब मैंने एवरेज चौड़ाई निकाली यानी कि 45 प्लस 55 को जोड़ा और दो से डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज विड्थ जो आई वो कितनी आई? 50 फिट। तो जब इन दोनों को आप आपस में गुणा करेंगे, फॉर्मूला तो वही है एवरेज लेंथ इंटू एवरेज विड्थ, तो फॉर्मूला तो वही है, आपस में गुणा करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 3124 स्क्वायर फिट। अब क्या करना है हमको? मीटर स्क्वायर में अगर चाहिए तो अभी मैंने बताया कि स्क्वायर फिट से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना है तो क्या करना है? भाग देना है किससे? भाग देना है किससे? 10.76 से, ठीक है। तो यहीं पे मैंने इसी को अपना 3124 को मैंने भाग दे दिया किससे? 10.76 से। तो मेरा क्या एरिया मिल गया? यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ आपको, ये मिल गया मुझको 390 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इररेगुलर प्लॉट और रेक्टेंगुलर प्लॉट दोनों का एरिया निकालना सीखा। अब एक छोटी सी बात है, ये आप कैलकुलेट खुद भी करके देखिए एक बार कि कन्वर्ट कैसे करते हैं एरिया को। तो मान लीजिए आपको कोई एरिया दिया है जो है 100 मीटर स्क्वायर, अब और आपको स्क्वायर फिट में करना है उसको, तो कुछ नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया मीटर स्क्वायर से स्क्वायर फिट में जाना है तो क्या? गुणा किससे? 10.76 से। और स्क्वायर फिट से
मीटर स्क्वायर में जाना है तो क्या भाग 10.76 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सीखा कि रेक्टेंगुलर प्लॉट और इरेगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं और एरिया को स्क्वायर फीट से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके साथ पहुँच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी लाइक इंजीनियर्स।